कल्याण में ही सबका कल्याण छिपा हुआ है। कह संतान कैसी है, नृप उत्तान पाद, उत्तान पाद बेटा है कि नहीं। उत्तान पाद का चरित्र साधारण नहीं है प्यारे, त्याग से भरा हुआ चरित्र है, क्योंकि उत्तान पाद का आकर्षण धन के प्रति नहीं है, राज्य के प्रति नहीं है, ये पक्की बात मान लो आप। उत्तान पाद का आकर्षण संपत्ति और राज्य के प्रति नहीं है, फिर किसके प्रति है, माता पिता की सेवा के प्रति है। अच्छा बोलो श्रेष्ठ संतान कौन है, धन के प्रति आकर्षण हो जिसका कि माता पिता की सेवा के प्रति हो, बोलो। माता पिता की सेवा करने का संकल्प हो उसका, लेकिन बदले में मां बाप से धन लेने की इच्छा ना करता हो, बोलो वो श्रेष्ठ संतान है कि नहीं, श्रेष्ठ आचरण है कि नहीं। यही आचरण है उत्तान पाद का। प्रमाण क्या है, उत्तान पाद को महाराज मनु ने बुलाया। एक घटना घटी थी ना, गोस्वामी जी कह रहे हो एन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिन। बिना भक्ति के मेरा जीवन चला गया, बिना भजन के मेरा जीवन चला गया, हृदय में गिलानी है। ये भाव आ जाए अगर हृदय में कि बिना भजन के बिना भक्ति के मेरा जीवन जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आप आचरणवान बनते जा रहे हैं, आपके अंदर श्रेष्ठ आचरण आ रहा है, ये विचार ही आना, क्योंकि विचार से ही तो आचरण पुनीत, विचार से आचरण श्रेष्ठ होता है, और विचार और व्यवहार गिर जाने से व्यक्ति अपयश को प्राप्त होने लगता है, होने लगता है कि नहीं। अरे इसका तो विचार गिर गया, व्यवहार गिर गया, ये तो विचारहीन मनुष्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। विचारहीन मानव, विचारवान मानव यश को प्राप्त होता है, और विचारहीन मानव अपयश को प्राप्त होता है। इसलिए विचार मनु जी ने क्या किया। अच्छा दो राजा हुए हैं, एक मनु और दूसरे सत्यकेतु। अब सुनना दोनों राजाओं का विचार सुनना। आप कहोगे महाराज दोनों राजाओं का विचार एक ही जैसा, क्या विचार है महाराज। मनु का विचार यह है, हो न विषय विराग भवन बसत वा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगति बिन। तो बरवस राज सुतहीन पदीना, और महाराज सत्यकेतु का जेठे सुतही राज नृपदीना। महाराज मनु ने भी अपने बेटे को राज दिया, त्याग किया, और सत्यकेत ने भी अपने बेटे को राज दिया, त्याग किया। यहाँ नारी समेत गवन बन कीना, वहाँ हरित आप गवन बन कीना। सत्यकेत भी बन की ओर जा रहा है और मनु जी भी बन की ओर जा रहे हैं, और दोनों तपस्या करने जा रहे हैं। एक ही जैसा विचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन सुन लेना मेरी बात को। महाराज मनु की तपस्या ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया, बेटा बना दिया, वही ब्रह्म आगे चल करके राम बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है, ब्रह्म ही तो बनता है राम, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। सत्यकेतु का बेटा प्रताप भान आगे चल करके राक्षस रावण बनता है। विचार दोनों का बन जाने का है, तपस्या करने का है कि नहीं, दोनों ने तपस्या की, लेकिन सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान क्या बनता है आगे, रावण बनता है कि नहीं बनता है। बनता है तो ऐसे करो, नहीं बनता हो तो ऐसे करो।
स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है। अगर वैसे तो तुमने रामायण में पढ़ाई होगा, सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो हमने पढ़ा है, कह रहे हैं सही बात है। वही आगे चल करके वैसे प्रमाण बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेक, ऐसे ही रावण के जन्म के भी अनेक प्रमाण है। लेकिन एक प्रमाण ये भी है कि प्रतापवान आगे चल करके क्या बना, रावण बना। और भी प्रमाण है, अनेक प्रमाण है, कल्प भेद है इनमें, कल्प भेद है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन एक कल्प में प्रताप भान क्या बना, राक्षस रावण बना, शापित हो गया था। ये सत्यकेत का बेटा है, धार्मिक था, यज्ञ करता था, सब कुछ। लेकिन एक दिन ऐसी विडंबना को प्राप्त हुआ कि उसे श्राप मिल गया और आगे चल करके वो राक्षस रावण बन गया। परंतु यहां प्रमाण मिलता है कि महाराज मनु की तपस्या में कहीं कोई विक्षेप नहीं है। महाराज मनु की तपस्या का कितना सुंदर दिव्यतम प्रभाव है कि वो निर्गुण ब्रह्म पहले तो नैमिषारण्य में आ रहा है सगुण बन के, और फिर वही ब्रह्म जो है आगे चल करके अयोध्या पहुंच रहा है राम बन के। महाराज मनु को ही श्रेय जाता है, भले ही दशरथ जी के बेटा बने लेकिन मनु ही दशरथ हुए। श्रेय किसे जाता है, महाराज दशरथ को श्रेय जाता है, लेकिन इसके पहले मनु को श्रेय जाता है। आप कहोगे महाराज थोड़ा सा और विस्तार, तो विस्तार ही तो कर रहा हूं, सुनो, विस्तार ही कर रहा हूं। महाराज मनु रो रहे और कह रहे हैं कि मैंने जीवन गमा दिया, भक्ति के साथ संबंध नहीं जोड़ पाया मैं, सारा का सारा समय राज्य की सेवा में लग गया, राज्य के नागरिकों की सेवा में चला गया। अरे राज्य की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, तो मनु जी के कार्यकाल में यज्ञ भी होते थे, मनु जी के कार्यकाल में ब्राह्मणों को दान भी दिया जाता था, मनु जी के कार्यकाल में गौ सेवा भी होती थी, कोई अधार्मिक कार्य नहीं होते थे, मनु जी के राज्य में धार्मिक ही कार्य होते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जन्म गयउ हरि भगति बिनु, बिना भक्ति के अब भैया गौ सेवा करना, यज्ञ करना, दान करना, जनता की सेवा करना, बोलो ये भी तो भक्ति है, नहीं है क्या ये भक्ति? प्यारे यह भी भक्ति है, केवल ये मत मानना यही भक्ति है, ये भी भक्ति है। लेकिन कौन सी भक्ति शेष रह गई थी जिसके कारण महाराज मनु कहते हैं जन्म गयो हरि भगति बिना, हरि भक्ति। जैसे मां की सेवा करोगे तो मातृभक्ति, क्यों मां की सेवा करोगे तो कौन सी भक्ति मिलेगी, मातृभक्ति। पिता की सेवा करोगे तो कौन सी भक्ति मिलेगी, पितृभक्ति। गुरु की सेवा करोगे तो कौन सी भक्ति मिलेगी, गुरु भक्ति। लेकिन एक है हरि भक्ति, बोलो है कि नहीं, हरि भक्ति। ओ महाराज मनु यही कह रहे हैं, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिन। सावधान, अगर राज्य और संपत्ति के प्रति सदा आकर्षण बना रहेगा, क्योंकि मनुजी जो भी समाज की सेवा कर रहे हैं राज्य को माध्यम बनाए हुए हैं। बोलो किसको माध्यम बनाए हैं, चाहे गौ भक्ति, गौ भक्ति कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण भक्ति कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे दान कर रहे हो, माध्यम किसको बनाए हैं, राज्य को। और ईमानदारी से बताओ, राज्य भाग्य से मिलता है, प्रयास और परिश्रम से नहीं मिलता, जल्दी बोलो राज्य किससे मिलता है, भाग्य से मिलता है, और भाग्य से मिलता है, प्रयास और परिश्रम से नहीं मिलता। परिश्रम से अगर मिलता होता राज्य तो मजदूर सब राजा हो जाते, उससे ज्यादा परिश्रम कौन करता है, बोलो भाई, सब राजा बन जाते। जबकि आजकल फ्री में सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मजदूर के मजदूर, क्योंकि लिखा जाता है मजदूर ही,
फ्री में जरूर मिल रहा है लेकिन लिखा क्या जाता है? मजदूर। ये नहीं लिखा जाता है राजा साहब, ये कहां लिखा जाता है? मजदूर ही लिखा जाता है, मिल रहा है फ्री में लेकिन लिखा जाता है मजदूर ही, तो मजदूर के मजदूर रहे। मनु जी कहते हैं इसमें मेरा कहीं कोई एहसान नहीं है कि मैं गौ सेवा कर रहा हूं या यज्ञ की सेवा कर रहा हूं या फिर मैं दान कर रहा हूं, ये तो राज्य मुझे मिला राज्य के खजाने से ही लुटा लुटा के कर रहा हूं। हमारी निजी ये संपत्ति नहीं है, ये तो भाग्य अनुसार प्रारब्ध अनुसार मुझे मिली है इसलिए मैं इसे बांट रहा हूं। लेकिन मनु जी कहते हैं इसलिए व्यथित हूं क्योंकि मानव जीवन की सबसे निजी संपत्ति यदि होती है तो वो हरि भक्ति होती है, इससे बड़ी संपत्ति दूसरी नहीं होती, क्योंकि हरि भक्ति से ही भाग्य बनता है। बोलो श्रेष्ठ भाग किससे बनता है? हरि भक्ति से बनता है श्रेष्ठ भाग। अभी ये तो तुम जो लुटा रहे हो ना, या तो माता पिता के दिया हुआ धन लुटा रहे हो या भाग्य से जो तुम्हें मिला है उसको लुटा रहे हो, लेकिन आगे का खजाना कहीं खाली का खाली ना रह जाए, वो खजाना भर जाए, इसके लिए तुम्हें अगर खजाना भरना है आगे चल के तो हरि भक्ति करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा खजाना भरेगा, नहीं तो खाली हो जाएगा, फिर मिलेगा कुछ नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि महाराज मनु कहते हैं कि सारा जीवन हमें राज्य की संपत्ति लुटाने में ही तो लग रहा जा रहा है, जो भी कर रहा हूं राज्य के खजाने से ही कर रहा हूं, हमने अपनी निजी संपत्ति निजी खजाना नहीं बना पाया इस बात की चिंता है। और निजी खजाना मनु जी कहते वही होगा मेरा जब हरि भक्ति हो जाए। कौन सी भक्ति? हरि भक्ति। अच्छा एक और बात सुन लो, तुम परिश्रम से कमाओ, बहुत बड़े तुम बुद्धिजीवी हो, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता है, तुम बहुत बड़े आईएएस अधिकारी बन गए, चलो भाई तुम्हें लाखों रुपया महीना मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, सब मिल रहा है, लेकिन जब जाओगे मर के तो अपने साथ ये सब ले जाओगे? आईएएस वाला डिग्री ले जाओगे, वो प्रमाण पत्र साथ में ले जाओगे? ले भी जाओगे तो वहां किसी काम का रहेगा वो? क्योंकि पहले तो फूंक फाक दिया जाएगा लकड़ियों पर वो जो भी प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी काम का थोड़ी है वो, है ना? जो भी है सब यहीं फूंक फांक के तैयार, सब शरीर ही चला जाएगा, सब आगज कागज डिग्रियां पिगड़ियां सब भस्म, सब भस्म ही है वो, खत्म। लेकिन लेके क्या जाओगे? हरि भक्ति। साथ लेके क्या जाओगे जल्दी बोलो? हरि भक्ति, और कुछ नहीं ले जा पाओगे। और हरि भक्ति जब साथ लेकर के जाओगे तो याद रखना परलोक में तुम्हें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जैसे संपत्ति खजाने से सुख लेते हो ना, संसाधन दुनिया की तमाम सुख ले रहे हो, सांसारिक सुख ले रहे हो संपत्ति से, ऐसे ही परलोक में जो सुख मिलेगा वो किससे मिलेगा? किस खजाने से मिलेगा? हरि भक्ति के खजाने से मिलेगा। इसलिए इस पर चिंतन किया है महाराज मनु ने, और चिंतन के साथ चिंता को जोड़ दिया और चिंता को चिंतन से जोड़ दिया। अपनी चिंता को किससे जोड़ दिया महाराज मनु ने? चिंतन से जोड़ दिया है। इसलिए हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिन। अब तो ये राजपाट छोड़ना चाहिए, अब तो मुझे हरि भक्ति करनी चाहिए, ये हरि भक्ति मेरा निजी खजाना होगा, स्वयं का खजाना होगा। तो बोले राजपाट किसे दोगे? कह राजपाट का नियम ही है, राजा का बेटा ही राज्य का अधिकारी होता है, क्यों भाई नियम है वो, तो जो राजा का बेटा होता है बोलो राज्य का अधिकारी होता है कि नहीं? तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा, राज्याधिकारी वही होगा जो मेरा बेटा होगा। तो बेटे को बुलाओ, बुलाओ बेटे को। अब बेटे को बुलाया गया, बेटा आया मनु जी का बेटा। जैसे ही मनु जी का बेटा आया तो
मनु जी ने कहा बेटा आ गए हो? हाँ पिताजी आपने याद किया, मैं आ गया। कैसा याद किया आपने? मैं राज्य छोड़ना चाहता हूं, सिंहासन का त्याग करना चाहता हूं। ये कथा शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को, ये साधारण बात नहीं है। जैसे हम तो सिकोहाबाद में जगतगुरु रामतृपाचार्य सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं सब, है ना? लेकिन वहां कथा हो रही है कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत पर कौन सुना रहे हैं? शंकर जी सुन कौन रही हैं? पार्वती जी सुन रही हैं। कथा तो यही है, कोई दूसरी कथा नहीं, यही कथा है। का बेटा राज्य ले लो, मैं राज्य का त्याग करना चाहता हूं और अब मैं भवन में नहीं रहूंगा, वन में रहूंगा। तुम राजा बन जाओ, मैं राज्य दे रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जानती हो मनु जी के पुत्र ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? यही कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा। पहली बात तो यही है कि ऐसा कौन बेटा है आज के जमाने में ये जो कहे कि मैं संपत्ति नहीं लूंगा। आजकल पिता और पुत्र में विरोध ही इस बात का हो गया कि तुमने हमको जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, तुमने छोटे को या बड़े को या मझले को ज्यादा दे दिया, जितना हमको मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो सीधी सी बात यह है कि तुमने हमें नहीं दिया, अब हम तुम्हें मरने के बाद पानी क्या दें? जिंदगी में हम देना बंद कर रहे हैं पानी, मरने के बाद तो गुंजाइश ही खत्म। बहुत से ऐसे भी नालायक बेटे हैं जो बाप के मरने के बाद पितृपक्ष में पानी नहीं दे रहे हैं, समझ लो। उनसे पूछो क्यों नहीं दे रहे, बोले तो ढकोसला है, ढकोसला कह रहे हैं उसको, समझ रहे हैं? ऐसे भी हमने सुना है, वैसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ नालायक बेटों ने ये भी कहा है, हमसे ही कहा, बोले महाराज जी क्या पानी, ढकोसला है, पानी पहुंच जाएगा, हम एक अंजलि पानी देंगे, इतनी दूर है वो पहुंच जाएगा है? कौन से लेवल से जाएगा वो आप ही बताइए। बटन लेवल का एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। फालतू की बात कर रहे हो, हमने कहा यार तुम कि बटन लेवल की बात कर रहे हो, तुमको बुद्धि की कचाई हो गई है। बोले कैसे जाएगा आप बताइए, ऐसे दे रहे जल्दी पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा? हमने कहा कि मंत्रों के माध्यम से पहुंचेगा, इसलिए तो पुरोहित की जरूरत पड़ती है। क्यों भैया? श्राद्ध पक्ष में पुरोहित की इसलिए जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से वो पहुंचाता है, ये प्रयास है। अरे बोले महाराज जी वो सब नियम बनाए हैं, खाने कमाने के धंधे हैं, सब ये चलता रहता है। हमने कहा अच्छा खाने कमाने के धंधे हैं, पहले ये बताओ तुम संतान है तुम्हारे कि तुमने संतान हो, जल्दी बताओ। बोले महाराज जी हमारे तो दो दो बेटे हैं, दो दो हैं। हमने कहा दो दो बेटे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हो तुम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ यही व्यवहार नहीं करेंगे जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो? बोले महाराज जी तो हम ये विश्वास ही नहीं करते इन बातों पर, तो हमें क्या विश्वास है कि मेरे बेटे करें ना करें, और नहीं करें तो ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा तो नरक जाओगे कि नहीं जाओगे? अब बोले नरक मिलेगा तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मिलेगा, किसने देखा नरक और स्वर्ग? नरक और स्वर्ग किसने देखा? हमने कहा यही तुम्हें नरक देखने को मिलेगा। बोले गारंटी? हमने कहा गारंटी है, यही तुम्हें नरक देखने को, तुम कह रहे हो नरक स्वर्ग किसने देखा, हमने कहा यही तुम्हें पहले नरक ही देखने को मिलेगा। बोले किसकी हिम्मत है? हमने कहा किसकी हिम्मत है, पड़ोसी थोड़ी तुम्हें नरक दिखाएगा, ना गांव वाले दिखाएंगे, तुम्हारी औलाद ही तुमको जिंदा में ही नरक दिखाएगा, तुम्हारी औलाद दिखाएगी तुम्हें। पड़ोसी को क्या लेना देना है? क्यों भैया? क्या गांव वालों को लेना देना है, क्या दुनिया वालों को लेना देना है? लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हारी औलाद तुमको यहां नरक दिखाएगी, देख लेना, सावधान। एक दिन की बात याद रखना, घर में एक और व्यक्ति बूढ़ा हो गया,
चलने फिरने में असमर्थ है, बुजुर्गों के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जब मां बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखी तो घर में और बूढ़ों की लिस्ट में जो आएंगे उनके प्रति कैसे श्रद्धा रखी जाएगी। लेकिन वो अपने भाई पर ही आश्रित था और कोई आश्रय ही नहीं था उसका, तो वो जाए कहां, सुख मिले चाहे दुख मिले, मरना ही है। तो जानते हो कहता क्या है वो नास्तिक, कहता है जाओ बूढ़े को भोजन दे आओ, लेकिन किसी थाली में मत देना, ये मिट्टी की थाली और मिट्टी का ही कुल्हड़, इसमें पानी ले जाओ, इस मिट्टी की प्लेट में जो है कुछ सब्जी उब्जी दाल चावल ले आओ, दे आओ जाओ। बच्चा छोटा है इसलिए दबाव में आ गया, गया और जैसे गया तो एक पत्थर से पैर टकराया, गिरा तो वो थाली भी टूट गई, कुल्हड़ भी टूट गया। अब वो रोवे तो जब रोदन सुना बाप ने तो आया, बोले क्यों रो रहा है, क्या सोने चांदी की थी, क्या चोरी चली गई, मिट्टी की थी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बेटा कहता है इसलिए रो रहा हूं कि अब थाली टूट गई है, कुल्हड़ फूट गया है, अब मैं आपको किस में खिलाऊंगा, इसलिए रो रहा अब मैं आपको किस में खिलाऊंगा इसलिए रो रहा हूं। देखा नरक की बात सुनने को विवश हो गया कि नहीं हो गया, वो आगे उम्मीद की जाएगी नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको इस घर में ही। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सावधानी करने की जरूरत है, शास्त्रों पर विश्वास किया करो, जो परंपराएं बनाई गई हैं उन परंपराओं पर थोड़ा चला करो, क्योंकि नरक और स्वर्ग यही मिल जाएगा देखने को। पहले लोक में यदि तुम्हारा यश बन गया तो परलोक में सुख का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो गया, और यदि लोक में अपयश मिल गया तो परलोक में आप उम्मीद मत करना। प्रसंग यहीं से तो प्रारंभ किया था मैंने, है लोक सुजस परलोक सुख, इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह सैल कुमारी। तो सावधान, बेटा कहता है कि पिताजी हम राज्य नहीं लेंगे, राज्य नहीं लोगे, क्यों, इसलिए कि राज्य जो लेगा वो सिंहासन पर बैठेगा और पिता के जीते जी बेटा भागा सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे, और बाप जिस सोने चांदी के सिंहासन पर बैठता रहा उसको नीचे बैठना पड़े नियमानुसार संविधान के अनुसार, तो ये मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पाऊंगा, भले ही राज्य मिले चाहे ना मिले लेकिन ये नहीं देख सकता हूं। अंतिम श्वास तक मैं आपको सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। बोलो ये संस्कार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये संस्कार बोल रहा है, संस्कार बोल रहा है। बेटे को बाजार जाना है तो फोर व्हीलर से जाता है, और बाप को जाना है तो ऑटो रिक्शा मंगाता है, मंगाता है ऑटो रिक्शा की नहीं। ऐसे कम पुत्र हैं जो अपने माता पिता को प्राण से भी ज्यादा प्यार देते, कम हैं। हम ये नहीं कहते हैं ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कि हैं ही नहीं, कम हैं। लेकिन ऐसी संख्या ज्यादा है जो माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने मित्रों को तो संतुष्ट कर रहे हैं, अपने संबंधियों को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन मां बाप ने जन्म दिया है उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले माता पिता को संतुष्ट करो, इसके बाद तुम किसी को भी संतुष्ट करो अच्छी बात है, लेकिन मां बाप को संतुष्ट करो, और मां बाप थोड़े ही में संतुष्ट हो जाएंगे। तुम 56 प्रकार के व्यंजन मत खिलाओ, केवल सुंदर शब्द बोल दो। बोलो भैया शब्द व्यंजन केवल परोस के तो देखो, अरे भूख कहां है बुढ़ापे में कि तुम्हारे 56 व्यंजन पचा जाएं? कहां भूख है, कहां इतनी क्षमता है, लेकिन सुंदर शब्द तो माँ बाप पचा ही सकते हैं। बोलो और उन्हें पुष्टि संतुष्टि मिल जाएगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्रेम से बोलता है, मेरी बहू घर में बहुत प्रेम से बोलती है। बोलो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बहू बहुत सुंदर बोलती है,
बहुत सुंदर शब्दों में संबोधित करती है। ऐसे सुंदर शब्द तो हमने जीवन में कभी नहीं सुने जैसे हमारी बहू और हमारा बेटा हमसे बोलता है। बोलो मोहल्ला वालों से चर्चा का विषय बनाएगा माँ बाप के नहीं बनाएंगे? सबसे कहेंगे बोले यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे? इससे अगर यश मिला तो परलोक में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है, दावा है मेरा कि सुख मिलेगा ही मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं करतल होए पदार्थ ताके, करतल होए पदार्थ ताके, प्रिय पितु मात प्राण समझाके, 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 प्रिय पितु मात प्राण समझाके। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों तुम्हारे हाथ में होंगे, ये उपलब्धियां हैं बहुत बड़ी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो माता पिता को प्राणों से ज्यादा प्यार देते हैं। जीवन काल में प्यार दो, जीवन काल में एहसास करा के उनको इस दुनिया से भेजो। एहसास होने कि मेरे बेटों ने मेरी संतान ने मेरी सेवा की, एहसास होना चाहिए। और ये एहसास करा के तुम माँ बाप को भेजोगे तो जरूर भगवान के दरबार में एहसास कराएंगे, वो तुम्हारे यश का वर्णन करेंगे कि मेरी संतान ने बड़ी सेवा की है प्रभु। अब जो टूटी फूटी सेवा मुझसे बन पड़ी मैंने संस्कार दिया है और संस्कार दे के मैं आया हूं। अब सरकार आपके हाथ में डिसीजन है कि मेरे साथ क्या करना है आपको। मैं कहता हूं माँ बाप को भी वहां सम्मान मिलेगा और संसार में तुम्हें भी यहां सम्मान मिलेगा, ये जरूर करना। ये शिक्षा सत्संग से ही मिल सकती है, बिना सत्संग के, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के संभव नहीं है, ये सत्संग से ही सुलभ है। महाराज मनु से कह रहा है बेटा, पिताजी मैं आपको सिंहासन से पृथक नहीं देखना चाहता हूं कि मैं सिंहासन पर बैठूं और आप जो है सिंहासन का त्याग, भले ही आप वन में नहीं भवन में नहीं वन में रहें लेकिन रहेंगे तो बिना सिंहासन के। मैं सिंहासन नहीं लूंगा, राज्य नहीं लूंगा, आपके जीवन काल में तो मैं ले ही नहीं सकता हूं। मनु जी ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, बेटे ने कहा मैं लूंगा नहीं पिताजी, आप विवश ना करें मुझे। हाँ आदेश करिए मैं सेवा करूंगा, आज्ञा करिए कि राज्य संबंधी कौन सी व्यवस्था, आप कोई भी व्यवस्था मुझे दीजिए मैं उस व्यवस्था को व्यवस्थित करूंगा, आदेश करिए आप, लेकिन सिंहासन की बात नहीं, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वाह कितनी बढ़िया बात है, माता पिता आदेश दें और बेटा आदेश का पालन करे, व्यवस्था का के लिए आदेश मिले और व्यवस्था संबंधी आदेश का पालन करते हुए व्यवस्था को व्यवस्थित करे संतान, तो माँ बाप को कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा प्यारे। महाराज मनु से स्पष्ट कह दिया तानपाद जी ने कि नहीं मैं राज्य नहीं लूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती, लेना नहीं चाहता है जबरदस्ती दे ही दिया, दिया कि नहीं, बरबस मानी क्या हुआ, बरबस का अर्थ क्या करोगे, बरबस मानी तो जबरदस्ती होता है हमारी समझ में। बरबस राज सुतहीन पुदीना, जबरदस्ती राज दे दिया, लेना नहीं चाहता है बेटा लेकिन दे दिया, नहीं लेना पड़ेगा लो। अब जबरदस्ती दिया है तो लेना पड़ा, क्या किया जाए, पिता की हठ
वैसे तो बालक की हट को पूरा बाप करता है, लेकिन यहाँ तो बाप की हट को बेटा पूरा कर रहा है। बोलो भाई, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजकल तो बालक की हट को कौन